हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, सभी लोग जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए, फिर हम अपना जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सभी लोग आ जाइए ऑनलाइन, फिर अपना जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम जो है साइंस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए। जैसे कि फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि 26 को जो है आपके पास 26 मई को जो है एग्ज़ाम हमारा होने वाला है नैब तहसीलदार का। ठीक है फ्रेंड्स, उसके लिए जो आपके लिए लाइव टेस्ट रखा जाता है 6 बजे की हमारी जो क्लास होती है उसके अंदर हम हिंदी मीडियम में करते हैं, क्योंकि पेपर है वो ड्यूल लैंग्वेज में आएगा और कुछ जो कैंडिडेट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, सो उनके लिए हम 8 बजे क्लास लेकर आते हैं जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं। सो जैसे कि पता है फ्रेंड्स आपको, HCS के अंदर जो हरियाणा के अंदर जो है साइंस के क्वेश्चंस का काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है, इसलिए हम लोग है जो साइंस के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम साइंस के क्वेश्चंस करेंगे। सो आप सभी जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए, फिर अपना जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप लोग ऑनलाइन आते जाएंगे मुझे मैसेज करते रहिएगा, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कौन कौन स्टूडेंट्स ऑनलाइन आ चुका है और कौन अभी नहीं आया है। चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से सभी लोग आ जाइए ऑनलाइन, फिर हम अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे। जल्दी से आप सभी ऑनलाइन आ जाइएगा। ये स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आप ऑनलाइन आते रहेंगे प्लीज़ मुझे मैसेज करते रहेगा, कमेंट करते रहेगा और वीडियो को साथ के साथ लाइक करते रहेगा। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर जो है नैब तहसीलदार से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अगर आप वो स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, नोट्स खरीदना चाहते हैं, तो आप 9896160956 इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, ओनली मैसेज कीजिएगा, कोई कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल का जो है समटाइम्स हम रिस्पांस नहीं दे पाते, रिप्लाई नहीं कर पाते, इसलिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा अपना नाम लिखकर और साथ में अपना जो है एग्ज़ाम नेम और आपका मीडियम कि आपको इंग्लिश में नोट चाहिए या हिंदी में नोट चाहिए, फिर आप हमें मैसेज कर दीजिए। और साथ में फ्रेंड्स, अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, आप हमारी वेबसाइट है studymasterofficial.com, वहाँ पर जाकर आप फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको जो है फ्री में PDF मिलती है और साथ के साथ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है एग्ज़ाम से रिलेटेड। हेलो सतेंद्र राव जी, चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं फ्रेंड्स। अ पर्सन पासिस मच यूरिन एंड ड्रिंक्स मच वाटर बट हिज ब्लड ग्लूकोज लेवल इज नॉर्मल, दिस कंडीशन मे बी ड्यू टू। ऑप्शन है हाइपर सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजेंस फ्रॉम टेस्टिस, हाइप्रो सेक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, सी ऑप्शन है हाइपो सेक्रेशन ऑफ वैसोप्रेसिन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दी हाइपोसेक्रेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स 154 का वो देख लेते हैं। 154 का सही उत्तर है वो है सी, यानी कि हाइपोसेक्रेशन ऑफ वैसोप्रेसिन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स एट्रोफाइज एट द एज ऑफ 15 to 17 ईयर्स इन मैन। ऑप्शन है थाइमस ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, पेनक्रीजिस, पिट्यूटरी ग्लैंड। जल्दी से आंसर कीजिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर कीजिए सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड एट्रोफीज एट द स्टेज ऑफ 15 to 17 ईयर्स इन मैन। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स 155 का वो है बी, यानी कि थायरॉयड ग्लैंड। अगला प्रश्न है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन्स पॉलीसेक्राइड्स। आंसर कीजिए, ऑप्शंस है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, बी सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इंसुलिन, सी सेलुलोज, माल्टोज, चिटिन। नेक्स्ट है डी ऑप्शन है हमारा, लैक्टोज, ग्लाइकोजन, इंसुलिन। आंसर कीजिए जल्दी से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन पॉलीसेचुराइड्स। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है बी, यानी कि सेलुलोज, साइक्लो ग्लाइकोजन। आई रिपीट, माई राइट आंसर इज सेलुलोज, ग्लाइसोजन, इंसुलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। हेम इज द इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल इन द मायोग्लोबिन विच इज यूज टू स्टोर
ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन इन मसल्स, क्लोरीन इन मसल्स, ऑक्सीजन इन मसल्स, कार्बन डाइऑक्साइड इन मसल्स। आंसर कीजिए कि हेम इज द इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकली इन द मायोग्लोबिन विच इज यूज टू स्टोर। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है सी, यानी कि ऑक्सीजन इन मसल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। सन लविंग प्लांट्स आर, सन लविंग प्लांट्स कौन से हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? हेलोफाइट्स, साइओफाइट्स, हेलोफाइट्स, ऑटोट्रॉफ्स। आंसर कीजिए कि सन लविंग प्लांट्स कौन से हैं। ए बी सी डी आपके पास चार ऑप्शन है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम फ्रेंड्स। 158 का जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि हेलियोफाइट्स। अगला प्रश्न है हमारा, द एनर्जी करेंसी ऑफ अवर सेल बॉडी इज, एनर्जी करेंसी ऑफ अवर सेल बॉडी इज एनएडी, जीटीपी, एएमपी, एटीपी। आंसर कीजिए जल्दी से। एनर्जी करेंसी ऑफ अवर बॉडी सेल इज, यस राइट आंसर इज 159 का जो सही उत्तर है वो है, राइट आंसर है वो है डी, राइट, एटीपी। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन अमंग द फॉलोइंग एनिमल्स इज विदाउट द बोन मैरो, विच वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज विदाउट द बोन मैरो। आंसर है इसके ऑप्शंस है फ्रॉग्स, फिशेस, लिजार्ड, बर्ड्स। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग एनिमल्स इज विदाउट द बोन मैरो। राइट आंसर इज डी, बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकोलॉजी टेक्स इंटू अकाउंट ऑफ, ऑप्शंस आर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ओनली, इफेक्ट ऑफ प्लांट्स ऑन एनवायरनमेंट, प्लांट एडेप्टेशन, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। आई रिपीट माय क्वेश्चन, इकोलॉजी टेक्स इंटू अकाउंट ऑफ, ए बी सी डी आपके पास चार ऑप्शंस है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। यस राइट आंसर इज डी, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूरिन सैंपल ऑफ आर डायबिटिक पेशेंट्स कंटेन्स, यूरिन सैंपल ऑफ आर डायबिटिक पेशेंट कंटेन्स, ऑप्शंस आर सुक्रोज, फ्रिक्टोज, ग्लूकोज, ऑल ऑफ दीज। देर आर फोर ऑप्शंस, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ऑल ऑफ दीज। आई रिपीट माय क्वेश्चन, द यूरिन सैंपल ऑफ आर डायबिटिक पेशेंट्स कंटेन्स, राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन। ऑप्शंस आर विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन के। यस वेरी गुड, राइट आंसर बताइएगा, जल्दी से शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी। ऑप्शन राइट क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन, राइट आंसर इज ए, यानी कि विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यस राइट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स गिवन बिलो रेगुलेट द कैल्शियम लेवल इन अवर बॉडी। ऑप्शंस है एंड्रोक्सिन, पैराथ्रोमोन, सिक्रेटिन, थायरोक्सिन। आंसर कीजिए जल्दी से, चार ऑप्शंस है आप लोगों के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स गिवन बिलो रेगुलेट द कैल्शियम लेवल इन अवर बॉडी, कौन से हार्मोन्स है हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करते हैं। 164 का आंसर है इसका, राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है बी, यानी कि पैराथोर्मोन। पैराथोर्मोन जो है वो रेगुलेट करते हैं हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टस्क ऑफ द एलिफेंट्स आर मॉडिफाइड। ऑप्शंस आर मोलर्स, प्री मोलर्स, कैनिन्स, इंसीजर्स। फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स जो सभी लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा, टेलीग्राम होगा, जहाँ पर भी आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस लाइव क्लास का पूरा पूरा फ़ायदा उठा सके, और साथ में आपसे भी जो है आपको कॉम्पिटिटर्स जितने इंक्रीज होंगे उतना ही आपका जो है आपको भी इंटरेस्ट आएगा, और साथ के साथ आपको अपनी जो है रिवीजन का, अपनी प्रेपरेशन का लेवल भी पता चलेगा।
चलिए ऑप्शंस फिर से देख लीजिए, मोलर्स, प्री मोलर्स, कैनिन्स, इंसीजर्स। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है डी, इंसीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर द मैचुरेशन ऑफ एथ्राइसाइट्स इन ह्यूमन बींग्स। ऑप्शन आर विटामिन ए, विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन डी, विटामिन बी फाइव। यस वेरी गुड पायल जी, सतेंद्र राव जी, गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर द मैचुरेशन ऑफ राइथोरासाइट्स इन ह्यूमन बींग्स। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन डी, विटामिन बी फाइव। आंसर इज 166 का राइट आंसर इज बी, यानी कि विटामिन बी ट्वेल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट जीन्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज आर स्टोर्ड इन। ऑप्शन आर जीन लाइब्रेरी, जीन बैंक, हर्बेरियम, नन ऑफ दीज। आई रिपीट माई क्वेश्चन, प्लांट जीन्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज आर स्टोर्ड इन। ऑप्शन आर जीन लाइब्रेरी, जीन बैंक, हर्बेरियम, नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है 167 का वो है बी, यानी कि जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसिडिक करेक्टर्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए आर ड्यू टू। ऑप्शंस आर प्यूराइन बेसिस, पायरिमिडाइन बेसिस, शुगर फ्रेगमेंट्स, फॉस्फेरिक ग्रुप। आई रिपीट माई क्वेश्चन, द एसिड करेक्टर ऑफ डीएनए एंड आरएनए आर ड्यू टू। राइट आंसर इज 168 का वो है डी, यानी कि फॉस्फेरिक ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एक्टिवेटेड इन स्ट्रेस कंडीशन। ऑप्शंस है पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। आई रिपीट माई क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एक्टिवेटेड इन स्ट्रेस कंडीशन। पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। राइट आंसर इज बी, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी यस, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इज नोन एज द बर्ड कॉन्टिनेंट। Which of the following continent is known as the bird continent? Options are Africa, Asia, South America, none of these. Which of the following continents is known as the bird continent? Options are Africa, Asia, South America, none of these. Right answer is 170 is C, South America. Next question is hamara, human blood is a viscous fluid. This viscosity is due to. Options are proteins in blood, platelets in plasma, sodium in serum, RBC and WBC in blood. Human blood is viscous fluid. This viscosity is due to. Options are proteins in blood, platelets in plasma, sodium in serum, RBC and WBC in blood. Right answer is 171 is D, RBC and WBC in blood. Next question है, RNA differs from DNA in having. Options are thymine, adenine, uracil, guanine. Answer कीजिए, RNA differs from DNA in having thymine, adenine, uracil, guanine. Very important question. Yes मोहित जी, बिल्कुल right answer है आपका. Yes पायल जी, मोहित जी, कनुप्रिया जी, good, very good. सभी लोग comment कीजिए, RNA differs from DNA in having. Right answer is C, uracil. Next question है हमारा, removal of thymus gland is the in the early life of an experimental mammals will cause. Options are lack of lymphocytes, lack of antibodies, lack of lymph nodes and vessels, both A and B. I repeat my question, removal of thymus gland in the early life of an experimental mammals will cause. Options are lack of lymphocytes, lack of antibodies, lack of lymph nodes and vessels, both A and B. Right answer is D, both A and B. It means lack of lymphocytes and lack of antibodies. Next question is hamara, who is the father of binomial nomenclature of organisms? Who is the father of binomial
नॉमक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन आर जूलियन हक्सले, जे लेमार्क, कार्लस लिनियस, आर एस विटेकर। आंसर कीजिए, वेरी गुड, चार ऑप्शन है आप लोगों के पास, वेरी नाइस, सभी लोग आंसर कमेंट कीजिए। हु इज द फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट आंसर इज सी कार्लस लिनियस, राइट आंसर इज सी कार्लस लिनियस। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कॉज ऑफ एडिसन्स डिजीज, व्हाट इज द कॉज ऑफ एडिसन्स डिजीज। ऑप्शन आर हाइपर सेक्रेशन ऑफ गोनाड्स, हाइपर सेक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, हाइपोसेक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, हाइपोसेक्रेशन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। यस, व्हाट इज द कॉज ऑफ एडिसन डिजीज। आपके पास चार ऑप्शन है ए बी सी डी, जल्दी से कमेंट कीजिए। मोहित जी, पायल जी, कानू जी, प्रिया जी, आंसर कीजिए जल्दी से। यस, वेरी नाइस, चलिए राइट आंसर देख लेते हैं, वो है डी, यानी कि हाइपोसेक्रेशन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, द न्यूक्लियोसोम, द न्यूक्लियोसोम इज हिस्टोन प्रोटीन्स, डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन्स, आरएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन्स, डीएनए रैप्ड अराउंड एसिडिक प्रोटीन्स। यस, आंसर कीजिए, द न्यूक्लियोसोम इज, ऑप्शन है हिस्टोन प्रोटीन्स, डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन्स, सी ऑप्शन है आरएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन्स, डीएनए रैप्ड अराउंड एसिडिक प्रोटीन्स। राइट आंसर इज बी, यानी कि डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंसेस अकॉर्डिंग टू एन इंक्रीज इन डाइवर्सिटी अमंगस्ट द ऑर्गेनिज्म। देर आर फोर ऑप्शन, मोनेरा, फंगी, प्रोटिस्टा, प्लेंटी। बी ऑप्शन मोनेरा, फंगी, प्लेंटे, प्रोटिस्टा। सी ऑप्शन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटे। डी ऑप्शन मोनेरा, प्लांटे, फंगई, प्रोटिस्टा। आई रिपीट माई क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस अकॉर्डिंग टू एन इंक्रीज इन डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म। राइट आंसर इज 177 इज सी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स ओनली ट्रू फिशेज। आई रिपीट माई क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स ओनली ट्रू फिशेज। ऑप्शन आर ट्राइगोन्स, टोरपेडोस, वेल्स, शार्क्स। बी ऑप्शन पर्च, टोरपेडोस, शार्क्स, ट्राइगोन्स। सी ऑप्शन सिल्वर फिश, जैली फिश, शार्क्स। डी ऑप्शन लंग फिशेज, सिल्वर फिशेज, जैली फिश। राइट आंसर इज 178 इज बी पर्च, टोरपेडोस, शार्क, ट्राइगोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमन ब्लड बिकम्स एसिडिक, लो पीएच। ऑप्शंस आर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज इंक्रीज्ड, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज डिक्रीज्ड, आरबीसी काउंट इंक्रीजेस, आरबीसी काउंट डिक्रीजेस। देयर आर फोर ऑप्शंस, व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमन ब्लड बिकम्स एसिडिक। ऑप्शंस आर इट्स नॉट अ डीप सिंदर राव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ साइंस। साइंस का पार्ट आप लोगों को पता है कि कितना इंपॉर्टेंट रहता है, और खासकर हरियाणा के अंदर तो HSS का आपने एग्जाम देखा होगा, और एग्जाम हुए हरियाणा पुलिस से रिलेटेड, हरियाणा का काफ़ी पोर्शन पूछा जाता है। ये हरियाणा से जिस लेवल के क्वेश्चन आपको नैब तहसीलदार के अंदर पूछे जाने वाले हैं, वो सेम क्वेश्चन है। आपको इसकी PDF मिल जाएगी, आप इन क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, राइट आंसर इज बी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज डिक्रीज्ड। आप देखिए, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ह्यूमन ब्लड बिकम्स एसिडिक, क्या होता है जब ह्यूमन ब्लड जो है एसिडिक हो जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जनरल लाइफ का क्वेश्चन है हमारा, ये हमें पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन एरोप्लेन टेक ऑफ सम ऑक्युपेंट्स ऑफन फील पेन इन द रीजन ऑफ ईयर्स, दिस इज बिकॉज ऑफ। बिल्कुल सिंपल और जनरल लाइफ का क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसका पता होना चाहिए कि एरोप्लेन जब टेक ऑफ करता है, कुछ ऑक्युपेंट्स के जो फील करते हैं अपने ईयर्स के अंदर पेन, वो क्यों होता है, क्यों कईयों के जो कान है वो दर्द होने लग जाते हैं। ऑप्शन है इसके, इफेक्ट्स ऑफ लाउड साउंड इन द मिडल ईयर, रैपिड मूवमेंट ऑफ ओटोलिथ इन द इनर ईयर,
रैपिड मूवमेंट ऑफ एंडोलिम्फ इन दी सेमी सर्कुलर कैनाल्स ब्लॉकेज ऑफ दी ऑस्टेचियन ट्यूब्स। फ्रेंड्स, ये जो साइंस के हैं कुछ वर्ड्स होते हैं बहुत टिपिकल वर्ड्स है ये, आई नो थोड़े से डिफिकल्ट अगर आपको साइंस में, अगर आप थोड़े से वीक हो इसलिए आपको ये थोड़े टफ लग रहे हैं क्वेश्चन, बट अगर हम देखा जाए तो ये जनरल लाइफ के क्वेश्चन है जो हमें पता होने चाहिए। ओके, और इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए, इसका राइट आंसर है वो है डी, ब्लॉकेज ऑफ दी यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब के होने के कारण जो है कान के कई रीजंस में जो है पेन होना हो जाता है। ठीक है, हमारा आपको दो लिस्ट दे रखी है, एक साइड आपको ब्रेन के पार्ट्स दे रखे हैं और एक साइड उनके फंक्शंस दे रखे हैं। बताइएगा कि कौन सा पार्ट का क्या फंक्शंस है। पार्ट्स के कौन कौन से पार्ट्स दे रखे हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, सेरिबेलियम, मेडुला ओब्लोगाटा। इसके फंक्शंस बताइएगा, रिफ्लेक्स एक्शंस, पोस्चर एंड बैलेंस, रिलेइंग इम्पल्स, वॉलंटरी कंट्रोल, इंटेलिजेंस, स्पीच एक्सेट्रा। आंसर कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए, मैं आपको ऐसा करती हूँ कि आपके लिए मैं ये थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ स्पीड को, ताकि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए। एक साइड आपको पार्ट्स दे रखे हैं ब्रेन के और एक साइड उनके फंक्शन बता रखे हैं। आप बताइएगा कि मैच करना है फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट के साथ। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो देख लेते हैं, 181 का वो है सी, यानी कि 4321। सेरिब्रम का जो पार्ट है वो फर्स्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट का है, और थैलेमस का है रिलेइंग इम्पल्स, ये सेकंड है, सेरिबेलम का है पोस्चर एंड बैलेंस, राइट, और मेडुला, जो मेडुला ओब्लोगाटा है इसका फंक्शन है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, इस प्रकार से इसे मैच किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिल्क इज यूनिक इन इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू, हाउएवर इट इज अ पुअर सोर्स ऑफ। मिल्क के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, ठीक है, न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, बट उसके अंदर पुअर सोर्स किस चीज़ का होता है, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, सोडियम। मिल्क इज अ यूनिक इन इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू, हाउ इट इज अ पुअर सोर्स ऑफ कैल्शियम, आयरन, कॉपर, सोडियम। आंसर कीजिए, आज कोई बफरिंग नहीं हो रही, आज बिल्कुल लेक्चर प्रॉपर चल रहा है। आप देख लीजिए, आपके साथ नेटवर्क इशू होगा, आज बिल्कुल भी बफरिंग नहीं हो रही है। चलिए, नेक्स्ट 182 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है बी, यानी कि आयरन। मिल्क के अंदर बिल्कुल ही कम आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग दी गिवन हार्मोन्स इज जोकुलरली टर्म्ड एज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड। ऑप्शंस है प्रोलैक्टिन, रेनिन, थायरोक्साइन, पैराथोर्मोन। आंसर इज, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। विच वन अमंग दी गिवन हार्मोन्स इज जोकुलरली टर्म्ड एज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड। राइट आंसर इज ए, प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म म्योसिस वाज क्वाइंड बाय। द टर्म म्योसिस वाज क्वाइंड बाय, ऑप्शंस आर फ्लेमिंग, ब्लैकमैनन, लेबिग, फार्मर एंड मोरे। ऑप्शंस आर फ्लेमिंग, ब्लैकमैन, लेबिग, फार्मर एंड मोरे। राइट आंसर इज 184 का डी, फार्मर एंड मोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसेप्टर्स फॉर बीटर टेस्ट आर लोकेटेड एट विच पार्ट ऑफ टंग। ऑप्शंस आर बेस ऑफ टंग, टिप ऑफ टंग, पोस्टीरियर मेडियन पार्ट ऑफ द टंग, द एजेस ऑफ द टंग। आई रिपीट माय क्वेश्चन, द रिसेप्टर्स फॉर बीटर टेस्ट आर लोकेटेड एट विच पार्ट ऑफ टंग। राइट आंसर इज 185 सी, यानी कि पोस्टीरियर मेडियन पार्ट ऑफ द टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन अमंग द फॉलोइंग नॉन टॉक्सिक गैसेस हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स विच रिपन फ्रूट। ऑप्शंस आर एसिटिलाइन, इथेन, मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। विच वन अमंग द फॉलोइंग नॉन टॉक्सिक गैसेस हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स विच रिपन फ्रूट्स। राइट आंसर इज 186 का है, वो है ए, यानी कि एसिटाइलिन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज करेक्ट। आई रिपीट माई क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज करेक्ट। ऑप्शंस आर ब्लड ग्रुप बी एंड रिसीव फ्रॉम ग्रुप ए बी,
ब्लड ग्रुप बी एंड ए बी एंड रिसीव फ्रॉम ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप बी एंड ए बी एंड रिसीव फ्रॉम ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ओ एंड रिसीव फ्रॉम ग्रुप बी. आई रिपीट माई क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज करेक्ट. राइट आंसर इज 187 इज बी, ब्लड ग्रुप बी एंड ए बी एंड रिसीव फ्रॉम ग्रुप बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइड्स बैलेंस इन ह्यूमन बींग्स. विच वन अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइड्स बैलेंस इन ह्यूमन बींग्स. ऑप्शन आर आउटर ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर, ऑस्टेचियन ट्यूब्स. Which one among the following is responsible for provides balance in human beings? Right answer is C, yani ki internal ear. Next question, which one among the following gases readily combines with the hemoglobin of the blood? Options are methane, nitrogen dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide. Yes, Tinderji, right answer. Next, which one among the following gases readily combines with the hemoglobin of the blood? Options are methane, nitrogen dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide. Right answer is 189 is B, nitrogen dioxide. Next question, the virus was discovered by Urey, Haeckel, Smith, Ivansky. Virus kisne discover kiya tha? Jaldi se answer kijiye. Virus kisne discover kiya tha? सुदेश जी, आपके पास ही बफरिंग होती है, और तो किसी ने बोला नहीं अभी तक. राइट आंसर इज 190th डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्टीमेट कॉज ऑफ वाटर मूवमेंट इन अ प्लांट स्टेम अगेंस्ट ग्रेविटी इज. ऑप्शंस आर ऑस्मोसिस, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डिफ्यूजन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्टीमेट कॉज ऑफ वाटर मूवमेंट इन अ प्लांट स्टेम अगेंस्ट ग्रेविटी इज. राइट आंसर इज बी, ट्रांसपिरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ बायोलॉजी इज. बायोलॉजी का फादर कौन है? अरिस्टोटल, बिरबसानी, सी लेनियस, चार्ल्स डार्विन. आई रिपीट माई क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? राइट आंसर इज ए, अरिस्टोटल. नेक्स्ट क्वेश्चन, द येलो एंड ऑरेंज कलर ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर मेनली ड्यू टू. ऑप्शन आर लिकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, एलुरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट. आई रिपीट माई क्वेश्चन, द येलो एंड ऑरेंज कलर ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर मेनली ड्यू टू. ऑप्शन आर लिकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, एलुरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट. द येलो एंड ऑरेंज कलर ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर मेनली ड्यू टू. राइट आंसर इज 193rd इज डी, क्रोमोप्लास्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्जी बॉडीज वर वेरी कॉमन इन द सेक्रेटरी सेल्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम. ऑप्शन आर एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, मिटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम. द गोल्जी बॉडीज वेरी कॉमन इन द सेक्रेटरी सेल्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम. There are four options. Options are endoplasmic reticulum, chloroplast, mitochondria, lysosome. Right answer is 194th A, endoplasmic reticulum. Next question, which among the following glands is known as clockwork gland of human being? Options are thyroid gland, pituitary gland, pineal gland, gonads. Which among the following glands is known as clockwork gland of human beings? Options are thyroid gland, pituitary gland, pineal gland, gonads. Right answer is C, pineal glands. Next question, the corpus callosum is absent in which one among the following animals? I repeat my question, the corpus callosum is absent in which one among the following animals? Options are Echidna, rabbit, dog, whale.
द कॉर्पस कैलोसम इज एबसेंट इन विच वन अमंग द फॉलोइंग एनिमल्स? एश्रिडना, रैबिट, डॉग, व्हेल. राइट आंसर इज 196 इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म फ्री फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बॉडी आर, ऑप्शन आर बेथोस, नेक्टोन्स, न्यूस्टोन्स, फाइटोप्लैंक्टोन्स. ऑर्गेनिजम्स फ्री फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज आर बेंथोस, नेक्टोन्स, न्यूस्टोन्स, फाइटोप्लैंक्टोन्स. राइट आंसर इज डी, फाइटोप्लैंक्टोन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस्पिरेटरी सेंटर्स विच रेगुलेट्स रेस्पिरेशन इन मैन इज लोकेटेड इन. ऑप्शंस आर सेरिब्रल, पेंडंकल, सेरिबेलम, वेगस नर्व, मेडुला ओब्लोगाटा. ऑप्शंस आर सेरिब्रेलर पेंडंकल, सेरिबेलम, वेगस नर्व, मेडुला ओब्लोगाटा. आई रिपीट माई क्वेश्चन, द रेस्पिरेटरी सेंटर विच रेगुलेट्स रेस्पिरेशन इन मैन इज लोकेटेड इन. राइट आंसर इज डी, मेडुला ओब्लोगाटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूल एनर्जी एक्सरे ऑब्जर्वेशन टोमेट्री यानी कि डेक्सा इज यूज टू मेजर. डेक्सा किसके लिए यूज किया जाता है? ऑप्शंस आर स्प्रेड ऑफ सॉलिड ट्यूमर, बोन डेंसिटी, अल्सरस ग्रोथ इन स्टमक, एक्सटेंट ऑफ ब्रेन हेमोर्फिस. I repeat my question, dual energy X-ray absorption tomography यानी कि DEXA is used to measure. Right answer is B, bone density. Next question, in ferns the meiosis occurs before the formation of, options are spores, protema, gametes, prothallus. I repeat my question, in ferns the meiosis occurs before the formation of, right answer is A, spores. Next question, which one of the glands in human bodies produces the growth hormones? Options are adrenal, pancreas, pituitary, thyroid. Which one of the glands in human bodies produce the growth hormones? Right answer is C, pituitary. Next question, otolith found in the inner ear of man is chemically, I repeat my question, otolith found in the inner ear of man is chemically, options are magnesium carbonate, calcium carbonate, calcium bicarbonate, silicon oxides. I repeat my question, otolith found in the inner ear of man is chemically. Right answer is B, calcium carbonate. Next question, presence of many embryos is a characteristic features of citrus, mango, banana, all of these. Presence of many embryos is a characteristic features of, options are citrus, mango, banana, all of these. Right answer is A, citrus. Next question, the spindle fibers are mostly composed of, options are myoglobin, actin, myosin, tona filament. I repeat my question, the spindle fibers are mostly composed of, options are myoglobin, actin, myosin, tona filament. Right answer is B, actin. Next question, which of the following is used in the production of yogurt? Which of the following is used in the production of yogurt? Options are Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaris, Streptococcus lactis, both A and B.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, योगर्ट बनाने में किसकी हेल्प ली जाती है? इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स, राइट आंसर है, वो राइट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शन ऑफ द एंटेन फाउंड इन कॉकरोच इज, द फंक्शन ऑफ एंटेने फाउंड इन कॉकरोच इज, ऑप्शंस आर गस्टेटरी रिसेप्टर, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, टैक्टाइल एंड सेंसरी रिसेप्टर, ऑडिटरी रिसेप्टर। आपके पास चार ऑप्शंस है, जल्दी से आंसर कीजिए। राइट आंसर इज सी, टैक्टाइल एंड सेंसरी रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज। ऑप्शंस आर एस्ट्रोन, राइथ्रोपिटेन, थायरोक्सिन, पैराथॉर्मोन। I repeat my question, which of the following hormones is involved in the formation and maturation of RBCs? Right answer is B. Next question, which of the following should a man consume if he lacks rhodopsin in his eyes? I repeat my question. Which of the following should a man consume if he lacks rhodopsin in his eyes? Options are orange and amla, papaya and mango, watermelon and orange, lemon and mango. जल्दी से आंसर कीजिए 108 का। चलिए राइट आंसर देख लेते हैं, पपाया एंड मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ शुगर? ऑप्शंस आर वाटरमेलन, शुगर केन, डेट। Which one among the following is a major source of sugar? Watermelon, beetroot, sugarcane, date. Right answer is C, sugarcane. Next question, if a man of blood group A marries a woman of blood group B, their children can be of the blood group. Options are AB, AB or O, B option A, B or AB, A or B, only AB. If a man of blood group A marries a woman of blood group B, their children can be of the blood group. Right answer is A, A, B, A, B or O. Next question. The neurogenic heart is the characteristic feature of higher vertebrates, lower vertebrates, human, rats. I repeat my question, the neurogenic heart is the characteristic features of higher vertebrates, lower vertebrates, human, rats. Right answer is B, lower vertebrates. Next question, which among the following hormones can be used in the treatment of diabetes insipidus? I repeat my question, which among the following hormones can be used in the treatment of diabetes insipidus? यस फ्रेंड्स, अगर आपको साइंस में, अगर बायो में आप थोड़े वीक हो, डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए। आप ऐसा कीजिए कि अगर आपको नहीं पढ़ना है ज़्यादा, तो आप एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है, बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और आप साथ के साथ रिविज़न करते रहेगा। और आपकी जो ये PDF है, मैं फ्रेंड्स आपको जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, या फिर आपको हमारी जो वेबसाइट है official.com, वहां पर आपको मिल जाएगी, जिससे कि आप लोग जो है क्वेश्चंस कवर करेंगे और आप रिवीजन करते रहेंगे इन क्वेश्चंस की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस है ये, ज्यादा जो हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं है या फिर डीपली क्वेश्चंस नहीं है। चलिए 212 का जो राइट आंसर देख लेते हैं, वो है डी, वैसोप्रेसिन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हार्ट साउंड
मर्मर्स आर हर्ड ड्यूरिंग क्लोजिंग ऑफ बिकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व्स, क्लोजिंग ऑफ ऑर्टिक एंड पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्स जनरेटेड बाई ट्रूबुलेंट फ्लो ऑफ ब्लड आइदर इनसाइड और आउटसाइड द मोस्ट नन ऑफ द अबव. आई रिपीट माई क्वेश्चन. द हर्ड साउंड मर्मर्स आर हर्ड ड्यूरिंग. यस सत्येंद्र राव, आपको जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा. आप हमारे टेलीग्राम से भी या फिर आप जो है इसका पीडीएफ हमारे जो साइट है studymasterofficial.com वहाँ से भी आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, लेक्चर कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको जो है टेलीग्राम का लिंक और साइट का लिंक जो आपको प्रोवाइड करवा दूंगी. इसी लेक्चर के नीचे आप जाकर देख लीजिएगा. चलिए नेक्स्ट, राइट आंसर इज सी, जनरेटेड बाय द ट्रूबुलेंट फ्लो ऑफ ब्लड आइदर इनसाइड और आउटसाइड द मोस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द रेडेस्ट टाइप ऑफ WBC इन द ह्यूमन ब्लड. ऑप्शंस आर बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, योसिनोफिल, मोनोसाइट. आई रिपीट माई क्वेश्चन. विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द रेडेस्ट टाइप ऑफ WBC वाइट ब्लड सेल इन द ह्यूमन ब्लड. राइट आंसर इज ए, बेसोफिल. नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH ऑफ फ्रेश मिल्क इज 6. व्हेन इट टर्न्स सोर द pH. आई रिपीट माय क्वेश्चन. द pH ऑफ फ्रेश मिल्क इज 6. व्हेन इट टर्न्स सोर द pH लेवल कितना हो जाएगा. आंसर कीजिए. वेरी गुड, वेरी गुड सुदेश जी, आपके मोस्ट ऑफ दिस क्वेश्चन है जो आंसर है बिल्कुल सही है. चलिए आंसर कीजिए जल्दी से सभी लोग. यस, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 215 का, वो देख लेते हैं. इसका राइट आंसर है वो है बी, रिमेन्स द सेम, दैट इज 6. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेक्रेटरी प्रोडक्ट पेक्टिन ऑफ सेल वॉल इज केमिकली अ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड. द सेक्रेटरी प्रोडक्ट पेक्टिन ऑफ सेल इज केमिकली अ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड. राइट आंसर इज बी, कार्बोहाइड्रेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट सिस्टम ऑफ प्लांट्स ग्रोज आउट फ्रॉम द रूट सिस्टम ऑफ प्लांट्स ग्रोज आउट फ्रॉम द. ऑप्शंस आर रेडिकल ऑफ द एम्ब्रोज ऑफ द सीड्स, प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रो, नन ऑफ द अबव. आंसर कीजिए. द रूट सिस्टम ऑफ प्लांट्स ग्रोज आउट फ्रॉम द. राइट आंसर इज ए, रेडिकल ऑफ द एम्ब्रो. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज यूज टू प्रिपेयर द वैक्सीन अगेनेस्ट माइकोबैक्टीरियम लेप्रे. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज यूज टू प्रिपेयर द वैक्सीन अगेनेस्ट माइकोबैक्टीरियम लेप्रे. ऑप्शंस आर हॉर्स, आर्मेडिलो, रैबिट, पिग, गिनिया पिग. ऑप्शंस आर हॉर्स, आर्मेडिलो, रैबिट, गिनिया पिग. राइट आंसर इज बी, आर्मेडिलो. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है, द बेवरेज कोकोनट मिल्क ऑफ ग्रीन कोकोनट इज द लिक्विड न्यूक्लियस, लिक्विड ऑफ फीमेल, गैप्टोफाइट, लिक्विड चलेजा, लिक्विड एंडोस्पर्म. आंसर कीजिए. द बेवरेज कोकोनट मिल्क ऑफ ग्रीन कोकोनट इज द. राइट आंसर इज डी, लिक्विड एंडोस्पर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द प्लांट सेल्स टू ग्रो इन अ मैनर सच दैट द प्लांट अपीयर्स टू बी बेंट टूवर्ड्स लाइट. ऑप्शंस आर साइटोकिनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड. विच वन अमंग द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द प्लांट सेल टू ग्रो इन अ मैनर सच दैट द प्लांट्स अपीयर्स टू बी अ बेंट टूवर्ड्स लाइट. राइट आंसर इज डी, एब्सिसिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नोन एज द एमरजेंसी हार्मोन्स. ऑप्शंस आर
थायरोक्साइन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, एड्रेनालिन। आई रिपीट माई क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नोन एज द एमरजेंसी हार्मोन्स? राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैड काउ डिजीज इन कैटल्स इज कॉज्ड बाय? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, प्रियॉन्स। द मैड काउ डिजीज इन कैटल्स इज कॉज्ड बाय? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, आपके पास चार ऑप्शंस है। यस, वेरी गुड फ्रेंड, जिसको आंसर्स नहीं भी आते फिर भी ट्राई कीजिए आंसर्स का। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं, वो है डी, प्रियॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर इज मोर कॉमन इन ओल्डर पीपल बिकॉज? कैंसर इज मोर कॉमन इन ओल्डर पीपल्स बिकॉज? ऑप्शंस आर, देयर इम्यून सिस्टम हैज डीजनरेटेड, बी द सप्लाई ऑफ सर्टेन हार्मोन्स डिक्लाइंस विद एज, सी देयर बॉडीज आर अनेबल टू एडजस्ट टू द चेंजिंग एनवायरमेंट, डी दे हैव एक्युमुलेटेड मोर म्यूटेशंस। राइट आंसर इज डी, दे हैव एक्युमुलेटेड मोर म्यूटेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द रेयरेस्ट अमीनो एसिड इन नेचर? ऑप्शंस आर ट्राइफोटन। आई रिपीट माई क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इन द रेयरेस्ट अमीनो एसिड इन नेचर? ऑप्शंस आर ट्राइप्टोफैन, एलानाइन, फिनिलाइन, एस्पार्टिक एसिड। आई रिपीट माई क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द रेयरेस्ट अमीनो एसिड इन नेचर? राइट आंसर इज 224A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज फाउंड इन द गट ऑफ टर्माइट्स विच फीड ऑन वुड? ऑप्शंस आर बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, फंगाई। विच वन अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज फाउंड इन द गट ऑफ टर्माइट्स विच फीड ऑन वुड? राइट आंसर इज 225 का, जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि फंगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉन्ड ब्लूम ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गई विच कॉज द डेथ ऑफ फिशेज एंड कैटल्स प्रोड्यूस द टॉक्सिन ऑफ अमोनिया, हाइड्रोजाइलेमाइन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड्स। आई रिपीट माई क्वेश्चन, द पॉन्ड ब्लूम ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गई विच कॉजेज द डेथ ऑफ फिशेज एंड कैटल्स प्रोड्यूसिस द टॉक्सिन ऑफ? राइट आंसर इज बी, हाइड्रोजाइलेमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विटामिन विच इज वेरी लाइबल एंड इजी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग एज वेल एज स्टोरेज इज? ऑप्शंस आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। आई रिपीट माई क्वेश्चन, द विटामिन विच इज वेरी लाइबल एंड इजली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग एज वेल एज स्टोरेज इज? ऑप्शंस आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। चलिए राइट आंसर इज देख लेते हैं, राइट आंसर इसका 227 का वो है बी, विटामिन सी। फ्रेंड्स, आई नो बायो थोड़ी टफ होती है, टिपिकल वर्ड्स होते हैं इसके अंदर, अगर आपको नहीं भी आती डोंट वरी, आप एक बार ट्राई कीजिए आंसर्स का, आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। यस, बिल्कुल राइट विक्रम जी, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ठीक है, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेगा आपको जो है इनके बारे में पता चलता रहेगा, आपको याद होते रहेंगे, और ये बेसिक क्वेश्चंस है फ्रेंड, ज़्यादा बहुत हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चंस नहीं है, जो आपको जनरल लाइफ में भी पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज? ब्रेन का जिस पार्ट से हम सोचते हैं वो कौन सा पार्ट है? मिड ब्रेन, हाइपोथैलेमस, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन। आंसर कीजिए, द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज, मेन थिंकिंग पार्ट कौन सा है ब्रेन का? वो है सी, यानी कि फोर ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केमिकली सिल्क फाइबर्स आर प्रीडोमिनेंटली, केमिकली सिल्क फाइबर्स आर प्रीडोमिनेंटली। केमिकली सिल्क फाइबर्स आर प्रीडोमिनेंटली, ऑप्शन आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, लिपिड, फैटी एसिड। राइट आंसर इज बी, 229 का राइट आंसर है वो है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स डू मशरूम्स बिलोंग, ऑप्शन आर एल्गई, फर्न्स, लीचेंस, फंगई। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स डू मशरूम्स बिलोंग, algae, ferns, lichens, fungi। Right answer is D, fungi। Next question, which among the following commercial form of hormones can induce labor in the pregnant woman? Options are thyroxine, oxytocin, vasopressin, thyrocalcitonin। Which among the following commercial form of hormones can induce labor in the pregnant woman? राइट आंसर इज बी, ऑक्सीटोसिन। राइट आंसर इज बी, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग हार्मोन्स इज द स्ट्रेस हार्मोन्स ऑफ प्लांट, ऑप्शंस आर ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन। विच वन फॉलोइंग हार्मोन्स इज द स्ट्रेस हार्मोन्स ऑफ प्लांट। राइट आंसर इज 232 बी, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईटिंग ऑफ रॉ फिश कैन कॉज डेफिशिएंसी ऑफ, ईटिंग ऑफ रॉ फिश कैन कॉज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B6। राइट आंसर इज ए, विटामिन B1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ककुआ बर्ड्स नेवर बिल्ड देयर ओन नेस्ट बट द फीमेल लेज एग इन द नेस्ट बिल्ट बाय अदर स्मॉलर बर्ड्स, द रिलेशनशिप इज, ऑप्शंस आर प्रोटोकॉर्पोरेशन, सिम्बोसिस, सोशल पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म। द ककू बर्ड्स नेवर बिल्ड देयर ओन नेस्ट बट द फीमेल लेज एग्स इन द नेस्ट बिल्ट बाय अदर स्मॉलर बर्ड्स, द रिलेशनशिप इज, राइट सी, सोशल पैरासिटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए आर, रिचेस्ट सोर्स क्या है विटामिन ए का, ऑप्शंस आर ग्रीन पीस एंड बीन्स, पेपर एंड पोटैटो, टोमेटो एंड ऑनियन, पंपकिन एंड कैरेट्स। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए आर, राइट आंसर इज 235 इज डी, पंपकिन एंड कैरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द विटामिन्स इज एसेंशियल फॉर द रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, ऑप्शंस आर थियामाइन, फोलिक एसिड, रिबोफ्लेविन, नियासिन। 236 का फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं क्वेश्चन, विच ऑफ द विटामिन्स इज एसेंशियल फॉर द रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, ऑप्शंस आर थियामाइन, फोलिक एसिड, रिबोफ्लेविन, नियासिन। राइट आंसर इज 236 इज बी, फोलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड आपको डिजीज दे रखी है और एक साइड आपको ऑर्गेनिज्म दे रखी है, मैच करना है लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड से। डिजीज कौन कौन सी है, ब्रूली उल्सर, ठीक है, ब्रूली अल्सर हो गया, चिकनगुनिया हो गया, एथलीट्स फूट्स हो गया, और जियाडिसेसिस हो गया। नेक्स्ट आपको ऑर्गेनिज्म कौन कौन से दे रखे हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगई, प्रोटोजोआ। इसको जो लिस्ट वन है डिजीज की, उसे लिस्ट टू से जो है मैच करना है। आपके पास कोर्स दे रखी है, आंसर बताइएगा 237 का। चलिए, इसका सही उत्तर है वो है डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 राइट है। ब्रूली अल्सर जो है बैक्टीरिया से होता है, चिकनगुनिया वायरस से होता है, एथलीट्स फूट्स जो है फंगई से होता है, जियाडियासिस होता है वो प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 238, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, एप्पल, कैरेट, बीन, गुआवा। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। फ्रेंड्स, मैंने जो है आपको हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं,
वो आपको प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख लीजिए, उसका लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है आपको। आप वहां जाकर जो है पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए 238 का देख लेते हैं राइट आंसर, वो है डी यानी कि गुआवा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ कलर ब्लाइंड मेल मैरिज अ नॉर्मल वुमेन नॉट कैरिंग द जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस देयर ऑफस्प्रिंग विल बी नॉर्मल सन्स एंड नॉर्मल डॉटर्स, नॉर्मल सन्स एंड कैरियर डॉटर्स, नॉर्मल डॉटर्स एंड कलर ब्लाइंड सन्स, कलर ब्लाइंड सन्स एंड कैरियर डॉटर्स। आंसर इट, जल्दी से आंसर कीजिए। ए बी सी डी आपके पास चार ऑप्शन है। व्हेन अ कलर ब्लाइंड मेल मैरिज अ नॉर्मल वुमेन नॉट कैरिंग द जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस देयर ऑफस्प्रिंग विल बी, इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है बी, नॉर्मल सन एंड कैरियर डॉटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर स्प्रेड्स द काला अजार इन ह्यूमन बींग्स। ऑप्शन है मॉस्किटो, सैंड फ्लाई, हाउस फ्लाई, टिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर स्प्रेड्स द काला अजार इन ह्यूमन बींग्स। राइट आंसर इज बी, सैंड फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉस्किटोज कैन बी अ वेक्टर फॉर फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट। ऑप्शन आर येलो फीवर, डेंगू फीवर, फिलेरिया, काला अजार। आंसर कीजिए जल्दी से। मॉस्किटो कैन बी अ वेक्टर फॉर फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट। फ्रेंड्स आप लोग मैसेज डिलीट क्यों करते हैं मुझे बताइएगा, क्या रीजन है? विक्रम जी, स्तेंद्र राव जी, आपने जो मैसेज डिलीट किए उनका क्या रीजन है आप बता सकते हैं मुझे? मॉस्किटो कैन बी अ वेक्टर फॉर फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स 241 का वो है डी यानी कि काला अजर। राइट आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस विच वन अमंग द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू ब्रीथिंग इज करेक्ट। आंसर कीजिए जल्दी से। इन ह्यूमंस विच वन अमंग द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू ब्रीथिंग इज करेक्ट। यस राइट आंसर है काला अजर, इसका सही उत्तर है सैंड फ्लाई। सतेंद्र राव जी आंसर सही है, बट आप मैसेज डिलीट क्यों करते हैं वो जरूर बता दीजिए। चलिए 242 का जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं, वो है डी, अनलाइक इनहलेशन नॉर्मल एक्सहेलेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियल फॉर्म ऑफ हार्मोन इज यूज इन स्टेराइल काउज टू इंड्यूस लैक्टेशन। ऑप्शन है थायरॉक्स, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, रिलैक्सिन। आंसर कीजिए जल्दी से। विच ऑफ द कमर्शियल फॉर्म ऑफ हार्मोन्स इज यूज्ड इन स्टेराइल काउज इन टू इंड्यूस लैक्टेशन। राइट आंसर इज बी, ऑक्सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट स्पर्म इन द प्लांट किंगडम। विच वन अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट स्पर्म इन द प्लांट किंगडम। राइट आंसर इज ए, सेकास। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, लीशमैनिया द कॉजेटिव एजेंट ऑफ काला अजर मल्टीप्लाइज एसेक्सुअली बाय बर्डिंग, बाइनरी फिजर, मल्टीफीजर, स्पोरोगोनी। जल्दी से आंसर कीजिए। सतेंद्र राव जी कोई बात नहीं, अगर आंसर गलत भी टाइप हो जाते नो इश्यू, यहां पर कोई पनिशमेंट तो नहीं मिलने वाली। ठीक है चलिए 245 का राइट आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स, वो है बी, बाइनरी फिजन। सो फ्रेंड्स ये तो थे आज के हमारे क्वेश्चंस, राइट।